वेलकम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बोरिंग ऑपरेशन का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हो, सबसे पहला ऑपरेशन जो है मैं यहां पे फेसिंग ऑपरेशन कर रहा हूं। इंसर्ट जो मैंने यूज़ किया है वो है VNMG इंसर्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हल्का सा फेसिंग हुआ और उसके बाद में टर्निंग ऑपरेशन कम्प्लीट हो गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बोरिंग बार के द्वारा ID का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बोरिंग बार किस प्रकार से जो है वो वर्किंग यहाँ पे कर रहा है। तो दोस्तों, बोरिंग बार जो है यहाँ पर मैंने CCMT इंसर्ट यूज़ किया है बोरिंग बार में। और आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है वो बिल्कुल स्मूथ कटिंग कर रहा है। और दोस्तों, मशीन के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि बोरिंग बार के RPM कितने होने चाहिए। तो लगभग दोस्तों आपके 1500 या 2000 के आसपास RPM होने चाहिए बोरिंग बार के, ठीक है। और आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से आपको टूल की ऑफसेट लेकर के इसको चलाना है। आपको स्पिंडल का जो रोटेशन है उसका भी ध्यान रखना है और टूल आपका अंदर टकराए नहीं, इसलिए आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों, इसके बाद में जो है वो आपको टूल के ऊपर से जो है वो निरंतर आपको जो है वो चिप साफ करना है। और यहाँ पर मैं बोर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बोर डायल गेज है दोस्तों। तो बोर डायल गेज के द्वारा मैंने यहाँ पे बोर को चेक किया है, बोर मेरा बिल्कुल सही है। और इसके बाद में जो है वो अगला टूल आएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है वो मैं हल्का सा पहले फेसिंग करूँगा। और TNMG इंसर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, TNMG इंसर्ट मैंने यूज़ किया है, हल्का सा फेसिंग किया है और उसके बाद में हल्का चैम्फर भी लगाया है मैंने इस टूल के द्वारा। और आगे जो है वो टर्निंग भी होगा, कूलेंट भी ऑन किया है ताकि आपका जो इंसर्ट है वो टूटे नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों, जिस प्रकार से आप यहाँ पे टूल को देख रहे हो, टूल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो वर्किंग कर रहा है। और टर्निंग टूल के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मटेरियल लगातार जो है वो रिमूव हो रहा है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार की वीडियोस, बहुत सारी प्रैक्टिकल की वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और आपको दोस्तों चिप्स का भी ध्यान रखना है कि चिप्स आपका जो है वो टूल के ऊपर लिपटना नहीं चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो अगला टूल है वो मेटल को काटने के लिए आएगा। तो अगला टूल जो है वो आया है हमारा फिनिश टूल है। तो फिनिश के लिए हमने जो है वो DCMT इंसर्ट यूज़ किया है बोरिंग बार के अंदर। तो यहाँ पे ये बोरिंग को फिनिश करेगा और यहाँ पे हल्का कूलेंट भी मैंने ऑन किया है। और कूलेंट ऑन करने से फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारा जो पार्ट है वो अच्छे तरीके से बनता है, टूल हीट नहीं होता है और बीच बीच में मेरे को कूलेंट ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा टूल ख़राब ना हो। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि अंदर जो है वो फिनिश कट लगा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो बोरिंग बार है वो अच्छे तरीके से वर्किंग करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है और बहुत अच्छा जो है वो पार्ट, अंदर से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इसकी पार्ट की। तो पार्ट की फिनिशिंग लाने के लिए आपको कूलेंट का रेशो जो है वो चेक करना होगा टाइम टू टाइम कि आपका कूलेंट किस जो है वो रेशो में चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ में आपको जो है वो टूल का मूवमेंट आपको देखना होगा, आप फीड कितनी लगा रहे हो फिनिश कट के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ये मेरा प्रोग्राम है और यहाँ पर जो है वो सीमेंस कंट्रोल का, सॉरी फानुक कंट्रोल की मशीन है। तो फानुक OITF जो है वो कंट्रोल है यहाँ पे आप देख रहे हो। और बोरिंग बार जो है वो लगातार अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों, बोरिंग बार जो है वो, बोरिंग बार का डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चैनल पर मेरे विज़िट कर सकते हो। और बोरिंग बार का डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, बोरिंग बार अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको किस प्रकार का बोरिंग बार सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए भी आपको जो है वो आपको पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है बोरिंग बार का नॉमिनिक्लेचर के ऊपर, इंसर्ट के नॉमिनिक्लेचर के ऊपर। तो सारी वीडियोस आप मेरे चैनल के अंदर जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, बिल्कुल धीरे धीरे पार्ट की फीड कम करके मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो है वो बोरिंग ऑपरेशन जो है वो फाइनली कम्प्लीट होने वाला है। और यहाँ पर जो है वो देखिए, बोरिंग ऑपरेशन बिल्कुल फाइनली कंप्लीट हो चुका है, चिप्स आगे आ गया तो मैंने उसको जो है वो एयर गन की सहायता से हटा दिया है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार के प्रैक्टिकल के वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट जरूर किया करो। और आपको दोस्तों किस प्रकार के वीडियो चाहिए वो भी मेरे को जो है वो कमेंट करके बताया करो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैंने इसको बोर डायल गेज से इसको चेक किया है, पार्ट मेरा बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट बना है, एकदम एक्यूरेसी के अंदर बना है, अंडर टॉलरेंस बना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल के अंदर अपलोड जितनी भी सारी वीडियोस हैं
वो एक एक वीडियोस इंपॉर्टेंट है मेरी, तो आप उनको बड़े ध्यान से देखिए और दोस्तों प्रोग्रामिंग को भी सीखिए। तो देखो कितने सारे पार्ट्स जो है वो यहाँ पर बना दिए हैं और सभी पार्ट्स जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से बने हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया आने वाला जो भी कोई भी वीडियो होगा तो वो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।